उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। अरवली जिले के धनसुरा तहसील के सिका गांव के चौधरी परिवार के साथ विदेश में नौकरी दिलाने के सिलसिले में धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। सिका गांव के मूल निवासी पटेल धवल भाई और उनके भाई और उनकी धर्मपत्नी अरुणा बहन और छोटी दो बेटियों के साथ धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। अरुणा बहन ने उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल को बताया कि विदेश में नौकरी दिलाने की लालच देकर धोखाधड़ी करने का आरोप मोड़ासा की अमी इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टिंग ऑफिस पर लगाया है। चौधरी अरुणा बहन धवल भाई के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को मोड़ासा की अमी इंटरनेशनल कंसल्टिंग वीज़ा ऑफिस के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अमी इंटरनेशनल वीज़ा कंपनी ऑफिस के द्वारा 40 लाख रुपये में वीज़ा देकर उनके साथ और उन्हें और उनके परिवार को इंग्लैंड भेजा गया था। वहां जाकर उनको नौकरी नहीं मिलने पर वो अपने परिवार के साथ वापस भारत आ चुकी है और आने के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ पुलिस थाने में पहुंचकर अमी इंटरनेशनल वीज़ा कंसल्टिंग कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और पुलिस ने भी इस घटना की कार्यवाही तुरंत हाथ पर ली है। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरवली। मेरा नाम अरुणा चौधरी है, मैं अरवली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने 2 महीने से मैं इंग्लैंड में थी, वीज़ा करके गई थी। अमी इंटरनेशनल करके कंसल्टेंसी है जो यासर यूसुफ पटेल, आरिफ बैला एंड अनीस यूसुफ पटेल, वो 3 भाई चलाते हैं। तो उनके पास कमिटमेंट हुई थी मेरी, उधर 2,35,000 आपकी सैलरी होगी ऐसा कमिटमेंट करके मेरे को इंग्लैंड भेजा था। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मेरे देवर गए थे। उसमें मैंने 40 लाख रुपये इन लोगों को दिया था वीज़ा के लिए। उन्होंने स्पॉन्सर लेटर दिया, ऑफ़र लेटर दिया, जिसमें सैलरी भी लिखी हुई थी। जब मैं इंग्लैंड पहुंची तब जाके देखा कंपनी में, तो कंपनी में कोई काम ही नहीं है, रजिस्टर कंपनी है। तो मेरे साथ तब मेरे को पता चला कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा, और 40 लाख की मेरे साथ ठगाई की। फिर भी मैंने उधर जाके एजेंटों से संपर्क किया, एजेंट उधर थे तो मैं उनको मिली, बोला कि मेरे को क्या कंपनी में नौकरी नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हर रोज़ मेरे को बहाना बनाते थे, हर रोज़ बोलते थे कल जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसा ऐसा। मेरा 60 दिन उन लोगों ने निकाल दिया। फिर मेरे को तब जाके पता चला कि इन लोगों की कंपनी ही रजिस्टर है, ना कोई काम है ना कुछ है, मेरे साथ तो ये फ्रॉड हो गया है। फिर मैंने इंडिया वापस आने का डिसीजन लिया और मैं, मेरी 2 बच्चियाँ, तीनों वापस आ गए। मेरे हस्बैंड विद इन 1 वीक में आने वाले हैं। तो ये इधर आने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर कराई है, जो आगे पुलिस कार्यवाही करेगी। यहाँ तक मेरे साथ अन्याय हो गया, अब मेरे को न्याय पुलिस देगी। पुलिस थाने में आप कब पहुँचे? पुलिस थाने में मैं 21 आई थी 21 तारीख को। फिर उसके 10 दिन बाद में पहुंची, नवंबर में ही। तो फिर उन लोगों ने पहले समाधान का बोला कि समाधान कर लेते, ये कर लेते। फिर मैं कमिटमेंट में रेडी भी हुई कि चलो मेरे को कोई भी वो पार्टी है, वो लोग आए थे 3-4 बार आए। फिर मेरा टाइम वेस्ट किया उन लोगों ने 12 दिन। फिर मेरे को लगा मेरे को न्याय मिलने वाला नहीं है, तो फिर मैंने तय किया कि मेरे न्याय के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं, मान लो कि मैं आज चुप हो गई तो मेरे जैसे कितने होंगे जिसके साथ अन्याय होगा। तो मैं अन्याय सहन करने वालों में से नहीं थी। तो मैंने तय किया कि नहीं, FIR करके कायदा किया, मेरे को लड़त करनी है। फिर मैंने तय करके FIR दर्ज की है, जिसमें मेरा परिवार सब मेरे सपोर्ट में है और ये मैं न्याय तो लेके रहूँगी।